जी, तो मेरी तरफ से और मेरी वाइफ सितारा की तरफ से तमाम सपोर्टर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आयत और तैयबा की बर्थडे पर मेरी वाइफ सितारा को बहुत बहुत ज़्यादा विश किया और बहुत मुबारकबाद पेश की, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दें, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम फैमिली को खुश आबाद रखें। और आज एक प्यारी सी नई सी सुबह का आगाज़ शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आज जो भी डेली की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी, तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गया था और अभी गार्डन को पानी लगा रहा हूँ क्योंकि 2 दिन हो गए और टाइम ही नहीं मिला गार्डन को पानी लगाने का क्योंकि बर्थडे थी, मेहमान थे घर पर सब, तो इस वजह से अभी इसको पानी लगाता हूँ। पाइप मैंने निकाल लिया था और पानी भी खोल दिया था नल ना, तो अभी मैं इसको पानी लगाता हूँ, क्रिसमस ट्री को जो है ना अच्छे तरीके से वॉश भी कर लेता हूँ। काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत ट्री है, ये बहुत प्यारा लगता है इस गार्डन के अंदर ना, ये वाला ट्री जो है काफ़ी प्यारा खूबसूरत लगता है। और मॉर्निंग के टाइम जो है गार्डन में पानी लगाओ तो कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लगता है जब सुबह सुबह पानी लगाओ गार्डन के अंदर, पौधे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इंशाल्लाह जब न्यू हाउस बनाएंगे तो उसका गार्डन जो है वो काफ़ी बड़ा रखेंगे, तो उसमें पानी लगाने का और पौधे लगाने का काफ़ी मज़ा आएगा। और ये गार्डन जो है काफ़ी छोटा है, इस वजह से ना ज़्यादा पौधे यहाँ पर नहीं लग सकते। और ये वाली जो बेल लगी हुई है ना, इसके ऊपर रेड फ्लावर आते हैं, एक फ्लावर उस बेल के ऊपर लगा था तो वो अभी ख़त्म हो गया, मैं नहीं दिखा सका। और जब भी इस बेल के ऊपर फ्लावर लगेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। और बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं और नोबिता के काम देखें, बॉल के साथ खेल रहे हैं और हॉर्स की जो टेल है ना इसके साथ बहुत ज़्यादा खेलता है। क्या हुआ नोबिता? ये देखिए वो हॉकी वाला प्लेयर होता है ना, बॉल को लेके जाता है, तो ये वैसे ही बॉल को आगे लेके जाता है। नोबिता भी जो गिफ्ट दिया है मेरी वाइफ सितारा ने, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत हॉर्स, और इसके ऊपर बैठ के जब वो इसको चलाती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। दोनों तैयबा भी और आयत भी दोनों इसको चलाते हैं। आयत इसके ऊपर ना एक दो दफ़ा बैठी है, वैसे आयत को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हॉर्स जो है ये दोनों के लिए है, आयत और तैयबा के लिए, दोनों इसके ऊपर जो है राइड करते हैं। देखो ये नोबिता आ गया, ये तो भाई मेरे साथ बहुत खेलता है, जब बच्चे चले जाते हैं ना स्कूल तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेलता है। आयत कहाँ गई? आयत कहाँ गई? आयत कहाँ गई? आयत 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 कहाँ गई? आयत और तैयबा को जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि आयत और तैयबा जो वो स्कूल चली गई हैं और अभी मेरे साथ लड़ रहे हैं। तो बच्चों को सुबह स्कूल छोड़कर वापस आ गया था और फिर मैं गार्डन में जो पौधों को पानी लगाना था पौधों को पानी लगाया और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी आयत की छुट्टी का टाइम हो गया तो अभी जा रहा हूँ आयत को स्कूल से लेने के लिए। और अबू भी एक दो दिन से कह रहे हैं कि मुझे वापस जाना है गाँव, तो मैंने कहा अबू आप रुक जाएँ तो हम साथ ही चलेंगे। तो अबू कह रहे थे आप लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा तो मैंने जाना है गांव क्योंकि मैं अभी यहाँ पर जो है काफ़ी दिन रह चुका हूँ तो अभी मुझे गांव जाना है। तो गांव जो है अबू को बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से अबू कहीं भी जाते हैं किसी के पास भी जाते हैं तो वो ज़्यादातर एक घर में नहीं ठहर सकते, वो कभी मेरे पास, कभी ज़ैद भाई के पास, कभी दूसरे भाई के पास, तो अबू जो हैं ये इधर उधर जो है ना चलते फिरते रहते हैं वो, क्योंकि अबू जो है वो ज़्यादातर घूमते फिरते थे, जब से अबू के पाँव का ऑपरेशन हुआ है ना तब से अबू जो है वो बस घर में बैठ गए हैं। बस मैं आज टाइम मिला तो आज नहीं तो कल जाके ना अबू की टिकट करा के आऊँगा, देखते हैं कि अबू को छोड़ने कौन जाएगा, मैं जाऊँगा या फिर यह है कि अबू खुद जाएँगे, तो देखते हैं क्या होता है। चलता हूँ आयत को लेने के लिए, चले बिस्मिल्लाह करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू के घर जाने से पहले अबू की जो है शॉपिंग करनी है, अबू को एक शॉल भी लेनी है और जर्सी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जर्सी भी ले लेंगे क्योंकि अबू कह रहे थे कि मुझे सिर्फ ना शॉल लेनी है, तो अबू की शॉल भी ले लेंगे और अबू के शूज़ भी ले लेंगे। तो देखते हैं कि आज जाएंगे अबू की शॉपिंग करने के लिए या कल जाएंगे, बस जैसे ही टाइम मिलता है तो अबू की शॉपिंग करने जाएंगे। अबू की शॉपिंग या अबू के घर जाने से पहले 2-3 दिन पहले ही कर लेंगे। ये वाली डॉल्फिन मुझे बहुत प्यारी लगती है, आयत इन डॉल्फिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, तो इस वजह से ये वाली डॉल्फिन मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। जी, तो मैंने अपनी बेटी आयत को जो है स्कूल से ले लिया तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर, आयत को छोड़कर मैं दोबारा आऊँगा मुस्तफ़ा और तैयबा को लेने के लिए। आइसक्रीम भी चाहिए? आइसक्रीम मैंने आपके लेके ना फ्रिज में रखी हुई है, जो कल हम आइसक्रीम ले गए थे ना तो वो फ्रिज के अंदर पड़ी हुई है। ओके, आपको जाते हुए मैं ना दे दूंगा। मुझे मार रही हो? कहाँ गिरा? चलो मैं उठा के देता हूँ। ये ले, आपका मिल गया स्टिकर। थैंक यू, वेलकम।
और जब भी स्टिकर आयत के पास होते हैं तो मेरे फेस के ऊपर वो लगाती रहती हैं, और क्योंकि मौसम जो है काफ़ी चेंज हो चुका है, इस वजह से आयत जो है बहुत ज़्यादा तंग भी करती है कि मुझे आइसक्रीम लेके दो, तो मैं ज़्यादा इग्नोर करता हूँ कि आइसक्रीम ना ली जाए, बट आयत जो है बहुत ज़्यादा तंग कर देती हैं। ओके ओके, आपकी आइसक्रीम जो है ना फ्रिज के अंदर पड़ी हुई है। हाँ, गाड़ी के पीछे वो कह रही कि गाड़ी के पीछे वो छुप के खड़ा होता है आइसक्रीम वाला, तो हम उसको ढूंढेंगे। आय जब भी स्कूल से वापस घर पहुँचती है तो कहती है मेरे शूज़ उतारो, यहीं पर आके बैठ जाती है, अंदर नहीं जाती। क्या हुआ? शूज़ उतार लूँ? बोले आपने एक शूज़ उतार भी लिया, दूसरा भी उतार लिया। चलो आपके सॉक्स मैं उतारता हूँ। ओके चलो, आयत के शूज़ उतार लिए तो अभी इसके सॉक्स उतारते हैं। चलिए आयत, आपके सॉक्स भी उतर गए, चलो इनको यहीं पर रख देते हैं। आयत आ गई है, छुप के खड़ी है, अम्मा कुछ सरप्राइज दे रही है। आयत आपकी आइसक्रीम कहाँ गई? ये रही, ये ले। ओके हाँ, खोल के दे दो। बहुत ठंडी है आइसक्रीम, नहीं खाओ, मुझे दे दो, मैं खाऊं? नहीं नहीं, आप खाओ, आप खाओ, अच्छी है, ठंडा है। तो मैंने आयत को घर पर छोड़ दिया और अभी जा रहा हूँ मुस्तफ़ा तैयबा को लेने के लिए। मुस्तफ़ा और तैयबा की छुट्टी हो गई है और मुस्तफ़ा तैयबा को मैं लेके जा रहा हूँ वापस घर। खाना खाएंगे घर पर और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, तो फिर मैं लेके जाऊँगा इनको ट्यूशन छोड़ने के लिए। जी तो मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद वापस घर आ गया हूँ और मैं अपना मोबाइल जो है चार्जिंग पर लगा के गया था। छत पर चलता हूँ और बाहर का मौसम दिखाता हूँ आपको। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मौसम हो गया और आसमान पर बादल भी हैं, आज लगता है कि बारिश होएगी होएगी। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हेलो, अब ये कहते हैं कि हमें निकालो। मैं निकालूंगा ना, ये छत से इधर उधर से कूद जाएंगे। तो बच्चे गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए और बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया ट्यूशन का, तो अभी उनको मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। और मुस्तफ़ा 3-4 दिन से एकेडमी नहीं गया फुटबॉल खेलने के लिए, तो आज मुस्तफ़ा ने भी जाना है फुटबॉल खेलने के लिए एकेडमी, तो बस ट्यूशन से लेके आता हूँ, वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करेगा तो फिर उसको एकेडमी लेके जाऊँगा। तो चलते हैं बाहर और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। बाहर जो है काफ़ी अंधेरा है, मेरे ख्याल में स्ट्रीट लाइट 8 बजे के बाद ही ऑन करते हैं। जी तो मैं एकेडमी आया था मुस्तफ़ा को लेने के लिए, मुस्तफ़ा को ले लिया तो अभी वापस जा रहा हूँ घर। कैसे हो मुस्तफ़ा? ठीक हूँ। सुनाओ आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। गोल किए या नहीं किए? 3 गोल थे। 3 आपने किए? हैट्रिक थी, हैट्रिक खान दे, लेकिन तब भी हारे। चलो कोई बात नहीं, हार जीत एक गेम का हिस्सा है, मेहनत करें जी। और अब्बू का मोबाइल भी काफ़ी दिनों से चार्ज नहीं किया, मेरे ख्याल में चार्जिंग ख़त्म हो गया, बंद हो गया मोबाइल, तो अब्बू के मोबाइल को चार्जिंग पर लगा देता हूँ ताकि ये चार्ज हो जाए। और अब्बू के मोबाइल का चार्जर भी नहीं है, तो अब्बू के मोबाइल का चार्जर भी लेना है। जी तो आज का व्लॉग्स आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगा कल। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।